सावन 2024। सावन हिंदू कैलेंडर का पांचवा महीना होता है, इसे सावन भी कहते हैं। सावन मास भगवान शिव का प्रिय महीना माना गया है। धार्मिक मान्यता अनुसार सावन के पूरे एक महीने तक भगवान भोलेनाथ धरती पर निवास करते हैं, इसीलिए सावन में शिव जी की पूजा जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। खासकर सावन के हर सोमवार पर पूजन का विशेष महत्व है। शिव भक्तों को इस महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस महीने में की गई पूजा पाठ का व्यक्ति को विशेष फल मिलता है। भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। इस बार सावन पर बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है। दरअसल इस बार सावन की शुरुआत और समाप्ति दोनों ही सोमवार से हो रही है। यह घटना करीब 72 साल बाद घट रही है, जो इसे और भी खास बनाती है। आइए जानते हैं सावन कब से हो रहा है आरंभ और इस बार सावन में कितने सोमवार होंगे। सावन कब से हो रहा है शुरू 2024। इस साल सावन का महीना 22 जुलाई 2024 सोमवार से शुरू हो रहा है। इसका समापन 19 अगस्त 2024 सोमवार को होगा। साल 2024 में सावन की शुरुआत और समाप्ति दोनों ही सोमवार से हो रही है, जिससे इसका महत्व दो गुना हो गया है। इस बार सावन 2024 में 5 सोमवार और 4 मंगलागौरी व्रत आएंगे। सावन सोमवार 2024। इस बार सावन में 5 सोमवार होंगे, जो भगवान शिव की पूजा के लिए अति उत्तम माने जाते हैं। 22 जुलाई 2024 पहला सावन सोमवार, 29 जुलाई 2024 दूसरा सावन सोमवार, 5 अगस्त 2024 तीसरा सावन सोमवार, 12 अगस्त 2024 चौथा सावन सोमवार, 19 अगस्त 2024 पांचवा सावन सोमवार। सावन माह महत्व। शास्त्रों में वर्णन है कि जब चतुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तब महादेव ही सृष्टि का पालन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार सावन चतुर्मास का पहला महीना होता है, जिसके अधिपति शंकर जी हैं। इस दौरान भोलेनाथ पृथ्वी पर वास कर अपने भक्तों के दुख कष्ट दूर करते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव जी की कृपा प्राप्त की थी, जिससे दीर्घ आयु का वरदान मिला। यही कारण है कि सावन में शिव पूजा करने वालों के समस्त संकट दूर हो जाते हैं। सुख समृद्धि, सफलता, लंबी आयु, धन, सुखी वैवाहिक जीवन, अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। सावन सोमवार पूजा विधि। नंबर 1, शिव पुराण के अनुसार शिव जी की पूजा शाम के समय श्रेष्ठ मानी गई है। वैसे सावन में शिव पूजा हर दिन करना श्रेष्ठ है, लेकिन सोमवार खास है। पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह स्नान कर सफ़ेद वस्त्र धारण कर लें, सफ़ेद शिव का प्रिय रंग है। नंबर 2, घर के मंदिर में सफाई कर तांबे के पात्र में शिवलिंग रखें और एक बेलपत्र अर्पित कर तांबे या चांदी के लोटे से जल चढ़ाएं। नंबर 3, पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक के समय निरंतर महामंत्र मंत्र का जाप करें। नंबर 4, शिवलिंग पर अक्षत फूल, धतूरा, सफ़ेद चंदन, गुलाल, अमीर, इत्र, समीप पत्र चढ़ाएं। पार्वती जी की भी पूजा करें। नंबर 5, खीर, हलवे, बेल के फल का भोग लगाएं। घी का चौमुखी दीपक जलाकर शिव चालीसा का पाठ करें, फिर शिव जी की आरती करें और अंत में प्रसाद बांट दें। सावन के नियम। नंबर 1, सावन में दाढ़ी, मूछ, बाल कटवाना वर्जित है। नंबर 2, भूल कर भी सावन में मांस मंदिरा का सेवन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। नंबर 3, सावन में बैंगन, दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां ना खाएं। नंबर 4, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, गुस्से पर काबू रखें, बुरे विचार मन में ना लाएं। नंबर 5, सावन सोमवार के व्रत के दिन व्यक्ति को स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जब शिव जी को यह माह इतना प्रिय है, तो आइए उनके प्रिय भोग के बारे में भी जान लेते हैं, जिसे अर्पित करने से उनकी कृपा
प्राप्त होती है। खीर का भोग लगाएं। सावन माह में शिव जी को खीर का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि खीर उन्हें अति प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि सावन सोमवार के दिन चावल की खीर का भोग लगाने से कुंडली से चंद्र दोष समाप्त होता है, जिसके चलते मानसिक तनाव से सदैव के लिए मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।